नमस्ते। कल हमने जो कुछ खतरनाक बीमारियां रहती है वैक्सीन प्रिवेंटेड डिसीजेस, उसके लिए बच्चों को बहुत खतरनाक बीमारी से केवल एक अच्छी तरह से वैक्सीन करने की वजह से उनको हम बचा सकते हैं। अभी बच्चे का वैक्सीन हो गया तो उसको खाने पीने में क्या देने का, उसके बारे में आज सोचेंगे। तो पहला फीड जो बच्चे का है वो तो स्तनपान यानी माँ का दूध ही होता है, तो कम से कम 6 महीने तक बच्चे को खाली माँ का दूध ही देना रहता है। उसके बाद उसको थोड़ी सी पतले दाल का पानी, चावल का पानी, इससे शुरुआत कर सकते हैं। जो फल है, समझो केला है, सेब है, चीकू है, वो उबाल के उसका भी पानी दे सकते हैं। इस तरह से देते देते धीरे धीरे पतली चीज यानी समझो सूजी है या सूप है या कुछ दाल चावल एकदम पिसे हुए, इस तरह से पतली चीज देते देते धीरे धीरे उसको पूरा खुराक चालू कर सकते हैं। पूरा खुराक चालू करने में जो है तो उसमें जो उसल रहती है उसमें प्रोटीन बहुत मिलता है। हरी सब्जी है उसका भी सूप बना सकते हैं, और दूसरी चीज जो गेहूं की रोटी है वो भी पीस के उसको दे सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो अपने साथ बैठ के उसको थाली पूरी परोस के वो खा सकता है। इसी में जो है तो खाली 2 बार खाना ही बच्चे को नहीं देना है, उसको बीच में कुछ फ्रूट्स है या ड्राई फ्रूट्स है या कुछ दूसरी शेंगदाने की चिक्की, राजगिरी की चिक्की, ये सब जो है एकदम हेल्दी खुराक रहता है, उससे उसका न्यूट्रिशन भी अच्छा बढ़ता है और एनीमिया नहीं होता है। कैल्शियम के लिए बच्चे को दूध तो देना जरूरी है, 3 बार कम से कम बच्चे को दूध दिया तो उसको कैल्शियम भी पूरा मिल जाता है और प्रोटीन भी मिलता है। उसी तरह से अंडे है, मच्छी है या मटन के ऊपर का सूप है, जो नॉनवेज लोग है उनको ये भी चीज अपन दे सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे बच्चे का एक खुराक बढ़ता है और वो पूरा डाइट लेने लगता है। जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी उसको आदत करो कि उसको घर की रोटी सब्जी ऐसा ही देने की कोशिश करो। ये सब बात उसके माँ बाप पर निर्भर रहती है, नहीं तो फिर बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो कुछ भी बाहर की बिस्किट चॉकलेट ऐसा लेने लगते है तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेट भी बिगड़ सकता है। तो ये सब आदतें उनको डालने की माँ की जिम्मेदारी रहती है। अभी जो स्तनपान जो है तो उसके बहुत ही फायदे हैं। उसके फायदे बच्चे के लिए, माँ के लिए, फैमिली और अपने समाज के लिए उसके फायदे हैं। अभी पहले बच्चे के फायदे के लिए देखेंगे। बच्चे को पहला फायदा जो होता है तो वो जब माँ के पेट में रहता है तो उसको उसके टेम्परेचर की आदत होती है, माँ के सहवास की स्पर्श की आदत होती है। तो जब वो बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसको ऐसा लगता है कि अपन पेट में है माँ के, तो उसको बहुत सुकून रहता है, मन को उसको सेटिस्फेक्शन रहता है। और जब बच्चा दूध पीता है तो उसका पेट भी भरता है और माँ के पास रहता है तो माँ को उसके इमोशनल नजदीकी भी बढ़ती है और उसको माँ से अटैचमेंट भी बढ़ती है। उसी तरह से ये जो दूध है तो दूध में इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो रेडीमेड माँ के बदन में से दूध आता है, उसको कहीं भी कॉन्टेमिनेशन नहीं होता है। और दूसरी बात जो है तो रेडीमेड दूध मिलता है बच्चे को, इसके लिए वो एकदम हेल्दी और अच्छा रहता है। माँ के लिए जो फायदा है तो माँ को सबसे पहला फायदा होता है कि जब माँ दूध पिलाती है तो उसकी बच्चेदानी जो है जो ढीली पड़ी रहती है, बच्चा जब पेट में रहता है तो वो खींची जाती है, तो उसका जो अंकुचन बोलते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छी तरह से जल्दी होता है। जितने दिन माँ दूध पिलाएगी तो उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो उसको ब्लीडिंग की तकलीफ रहती थी, बहुत सारा ब्लीडिंग गया हुआ रहता है, वो ब्लीडिंग भी उसका बंद हो जाता है। दूसरी बात, माँ को फायदा ऐसा होता है कि माँ को आगे कैंसर वगैरह होने की संभावना कम होती है। जो औरतें बच्चे को दूध अच्छी तरह से ज्यादा दिन पिलाती है तो सर्वे में ऐसा देखा गया है कि उसमें से 100 में से 80 औरतों को कैंसर की बीमारी नहीं होती है। तीसरी जो बात है तो उसको फैमिली प्लानिंग यानी जब वो बच्चा दूध पीता है तब तक उसको हमल भी नहीं रुकता है, ये एक नैसर्गिक फैमिली प्लानिंग हो जाता है, ये फायदा होता है। दूसरी बात जो है तो माँ का दूध जो है तो उसके उबालना नहीं पड़ता, बर्तन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तो उसका समय भी बच जाता है।
दूसरी बात, जो बच्चे माँ का दूध पीता है उनकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी बढ़ती है, और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने से उनको बार बार वो बीमार नहीं पड़ते है। वो बार बार बीमार नहीं पड़ते है तो ये समाज को भी अपन एक सुदृढ़ अगली पीढ़ी दे सकते हैं, और निरोगी पीढ़ी जितनी रहेगी उतना देश का भी फायदा होगा। उसी तरह से बच्चा जल्दी ज्यादा बीमार नहीं पड़ा तो माँ यदि नौकरी करती है तो वो बार बार छुट्टी भी नहीं लेती है, यानी वो भी एक फायदा हो जाता है, और माँ का वो भी एक काम अच्छी तरह से होता है कि बार बार उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है। तो ये माँ के लिए भी फायदा है और बच्चे के लिए भी फायदा है। दूसरी बात जो है तो पैसे की भी बचत होती है, माँ का दूध तो कुछ बिकत लेने को जाना नहीं पड़ता है, वो रेडीमेड मिलता है, इसके लिए पैसे की भी उसकी वो बचत होती है। तो सब औरतों ने डिलीवरी के बाद अच्छा खुराक लिया, अच्छी तरह से आयरन कैल्शियम लिया तो उनको दूध भी अच्छी तरह से आएगा और 6 महीने तक बच्चे को दूध पिला सकती है। यदि कुछ कारणवश बच्चे को दूध कम आता है माँ को तो उसके लिए भी दवा रहती है, डॉक्टर से सलाह ले तो उसका दूध वो बढ़ सकता है, पहले से ही उसकी तजवीज करके रखे तो दूध अच्छी तरह से आता है।